नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ग्रैंड वूस्टर स्कूल वाराणसी। आज मैं पंच तत्वों के बारे में बताऊंगा। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान ने सभी जीवों को बनाया है, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को भगवान ने बनाया है। सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है। तो विज्ञान कहता है और हमारे पूर्वज भी यही बात कहते हैं कि पंच तत्वों से जीवों का निर्माण हुआ है। वो तो पंच तत्व क्या है आज हम जानेंगे कि पंच तत्व क्या है, इन पंच तत्वों का भगवान से क्या रिलेशन, भगवान शब्द से इन पंच तत्वों का क्या रिलेशन है। ये पंच तत्व भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है। तो इन पंच तत्वों से जीवों का निर्माण हुआ है। यदि हम भगवान को तोड़ेंगे, एक एक शब्दों को देखेंगे तो हमें मिलेगा कि ये पंच तत्वों से ही मिलकर ये भगवान वर्ड बना हुआ है, शब्द बना हुआ है। सृष्टि के प्रत्येक जीव इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, अर्थात मैं ब्रह्मांड की चर्चा पहले करता हूं। पृथ्वी के नीचे जल है, फिर पृथ्वी है अर्थात भूमि है, उसके बाद वायु, उसके ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर अग्नि अर्थात सूर्य, सूर्य से हमें अग्नि प्राप्त होती है, इसलिए सूर्य जो है अग्नि का द्योतक है, प्रतीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विस्तार, आकाश है। तो ये पंच तत्व हमारे शरीर में कहाँ है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इन पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। ये पंच तत्व यदि बैलेंस रहें, संतुलित रहें, तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है या स्वस्थ हो सकता है। तो घुटने से नीचे वाला भाग जल का भाग है। कुछ लोगों का पैर बहुत ज्यादा दर्द करता है, इसका मतलब है उनके शरीर में जल की कमी है। शरीर पर दाने दिख रहे हैं, लकीरें दिख रही हैं, शरीर की चमड़ियां फट रही हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, ये सब पानी की कमी से होता है। भूमि के अंदर जल पाया जाता है, ऊपर जल पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। जल एक ऐसा यौगिक है जो तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। मैंने एक वीडियो में यह बताया था कि विज्ञान कहता है कि जल सुनता है और जल
सुनकर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। तो जल एक महत्वपूर्ण तत्व है जो इन पंच तत्वों में एक है। जल हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाता है, मेंटेन रखता है, संतुलित रखता है, पाचन तंत्र को सही करता है, हमारे मस्तिष्क को सही रखता है। मस्तिष्क में भी 80% जल का भाग ही होता है, जल तत्व होता है। अतः जल इन पंच तत्वों में एक मुख्य तत्व है। हमारे शास्त्रों में इतना इंपॉर्टेंट होने के कारण ही जल को देव कहा गया, वरुण देव। हमारे अनुसार सृष्टि में जो भी दाता है वही देवता है। कुछ लेखकों ने किसान को भी देवता कहा है, ग्रामो देवता, ग्राम के देवता, क्योंकि किसान अन्न उत्पन्न करता है। माता पिता को भी देवी देवता की उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने हमको शरीर दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दाता है वही देवता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में सूर्य को देवता कहा गया है। वायु भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। वायु की अनुपस्थिति में ना तो कोई चीज जल सकता है, ना हम जी सकते हैं। वायु की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे भी अपना विकास नहीं कर सकते। अतः वायु भी दाता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे पवन देव कहा गया। भूमि, भूमि को हमारे शास्त्रों में देवी की उपाधि दी गई है क्योंकि भूमि भी हमें देती हैं। क्या अन्य, हम बीज डालते हैं तो अन्य की उत्पत्ति होती है और उस अन्य से हमारा जीवन है, जीवों का जीवन है। पेड़ पौधे उगते हैं पृथ्वी से, पृथ्वी के कारण ही सृष्टि पर, हमारे पृथ्वी लोक पर जीवन है। मिनरल्स भी हमको पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। पृथ्वी के अंदर ही एक मुख्य तत्व जो जल है, जल भी पृथ्वी के अंदर है। तो पृथ्वी भी एक महत्वपूर्ण तत्व में आता है इन पंच तत्वों में। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसके इम्पोर्टेंस को जानते हुए इनको देवी का नाम दिया गया है। पवन हो गए आकाश, जिसकी छाया में हम हैं, वह तत्व जहां पर की स्पेस हो, खाली हो, वो आकाश तत्व कहलाते हैं। तो हमारे गर्दन के ऊपर का जो भाग है ये आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व को यदि आपको स्वस्थ रखना है तो इसे हम साउंड से स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मंत्राज बोलने को कहा जाता है। यदि हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा आकाश तत्व अर्थात गर्दन के ऊपर वाला भाग स्वस्थ रहता है। इसीलिए हम ओम का उच्चारण करते हैं, अन्य मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इन मंत्र का उच्चारण करने से हमारा आकाश तत्व मतलब ऊपर वाला तत्व, ऊपर वाला भाग स्वस्थ रहता है। ऊपर वाले की कृपा होती है तभी हमारा जीवन सही रूप से चलता है। अर्थात हमारे गर्दन के ऊपर ही 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, स्किन। ये 5 सेंसिटिव ऑर्गन जिससे कि हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं।
एक सिक्स सेंस है, यह भी इसी आकाश तत्व में, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाती हैं और आदमी तिलक लगाते हैं, वहीं पर एक सिक्स सेंस होता है जिसे विज्ञान की भाषा में पीनियल ग्लैंड और अपने शास्त्रों में त्रिनेत्र कहा गया है। यदि हमें यूनिवर्स के रहस्य को समझना है, जानना है, तो इस त्रिनेत्र को जागृत करना होगा। हमारे यहाँ 5 साल से 15 साल तक के बच्चों का त्रिनेत्र जागृत किया जाता है, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट किया जाता है, जिससे कि वह अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जापान में 1600 लोगों का सर्वे किया गया, जो बच्चे बचपन में अपना मिड ब्रेन एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन या त्रिनेत्र का जागरण किए थे, वे 25 से 30 साल के उम्र में करोड़पति बने। अर्थात बच्चों का मानसिक स्तर अपने नॉर्मल स्तर से 10 साल स्ट्रांग हो जाता है। अतः पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कराएं और बच्चों की समस्त समस्याओं का समाधान पाएं, जैसे क्रोध आना, पढ़ाई में मन न लगना, याद ना होना। इन सब समस्याओं का समाधान है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। इसे साइंस सिक्स सेंस के नाम से जानता है, मानता है, यह एक नॉन फिजिकल आई है। हमारे गीता में भी कहा गया है कि अर्जुन, यदि आप हमारे स्वरूप को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आप इस फिजिकल नेत्र से हमें नहीं जान पाएंगे, इसके लिए एक दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। और वहाँ पर भगवान कृष्ण ने एक दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं। वह दिव्य नेत्र और कुछ नहीं, यही पीनियल ग्लैंड था। तो अर्जुन के पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करवाते हैं, जिससे कि वह ईश्वर के स्वरूप को जान पाते हैं और उनके विराट स्वरूप को देखते हैं। तो यदि आप यूनिवर्स के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करवाएं और यूनिवर्स के रहस्य को जानें। तो ये पंच तत्व हमारे शरीर में ही विद्यमान है। जितना ईश्वर में शक्ति है, उतना आप में भी शक्ति है। आप यदि अपनी शक्ति को जागृत कर लें, तो आप ईश्वर से कम नहीं है, ईश्वर के तुल्य हैं। जो वायु तत्व है हमारे शरीर में, वह फेफड़े के पास है। तो यदि वायु तत्व बैलेंस नहीं है, तो फेफड़े से संबंधित रोग हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें श्वसन क्रिया से होती है। तो श्वसन में नॉर्मल तरीके से जो हम श्वसन क्रिया लेते हैं, करते हैं, उसे हम स्लो ब्रीथिंग कहते हैं। स्लो ब्रीथिंग सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है
स्लो ब्रीथिंग से नहीं मिलती है। यदि हम डीप ब्रीथिंग दिन में 2 बार करें और यूटिलाइज करें, अफर्मेशन दें, तो हम बिना दवा के, बिना केमिकल के स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए डीप ब्रीथिंग अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हमको लंबी सांस लेना ही डीप ब्रीथिंग कहलाता है। तो लंबी सांस ले, सांस लेते समय पेट बाहर आना चाहिए। तो लंबी सांस लेते हैं, इस तरह लेंगे, डीप ब्रीथिंग कम से कम 5 बार करें। ऐसा करने से आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे आपका फेफड़ा सही होगा, मस्तिष्क सही होगा, डाइजेशन सिस्टम सही होगे और शरीर में ग्लो होगा, चमक आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इस तरह दिन में कम से कम 2 बार डीप ब्रीथिंग अवश्य करें, जल ग्रहण करें पर्याप्त मात्रा में, कम से कम 12 ग्लास। यदि आपको ब्रेन पर कार्य करना है तो 12 ग्लास जल लें, नॉर्मल पर्सन 10 ग्लास जल ग्रहण कर सकता है। यदि आपको ब्रेन पर वर्क करना है तो बिना प्यास के एक निश्चित अंतराल पर पानी पीते रहें, इससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, हमारे मेमोरी पावर बढ़ेगी, हम स्वस्थ होंगे और डीऑक्सीफिकेशन हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं वो बाहर निकलेंगे। तो विषैले तत्व को बाहर निकालने के 3 माध्यम हैं। एक मल के माध्यम से, कफ के माध्यम से और पसीने के माध्यम से। 3 माध्यम से विषैले तत्व को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जब हम जल ग्रहण करेंगे यूरिन के माध्यम से, मल के माध्यम से विषैले तत्व बाहर निकलेंगे। कफ के माध्यम से शरीर ऑटोमेटिक जब विषैले तत्व होंगे तो वह कफ के माध्यम से निकालता है, जिससे कि सर्दी जुकाम खांसी के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कफ के माध्यम से उस गंदगी को हमारा बॉडी बाहर निकालता है। इस तरह हमारे शरीर की क्वालिटी है कि वह आपकी इंटरनल सफाई करे। उसके लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि कुछ आवश्यक चीज़ें जैसे बैलेंस फूड, जल, प्राणायाम, वायु लेना, जो तरीका बताया गया उस तरह से, ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो वह अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा और अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा तो हम निरोग ऑटोमेटिक रहेंगे। हमारा शरीर एक ऐसी केमिकल कंपनी है जो स्वतः केमिकल का निर्माण करती है और हमें स्वस्थ रखती है। यदि हम शरीर का ध्यान दें
तो शरीर ऑटोमेटिक हमें निरोग बना सकता है, ये क्षमता हमारे शरीर के अंदर है। अतः हमें अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसके लिए इन पंच तत्वों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो ये पांच तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं, इनको हम बैलेंस करके रखें तो शरीर की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम यदि स्ट्रांग है तो हमारा शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में लाखों केमिकल्स बनते हैं जो हमें स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त हैं, बाहर से कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए डीप ब्रीथिंग करें, पर्याप्त मात्रा में जल लें, सूर्य दर्शन करें, समय से उठें, जो संकल्प लें उसे समय से पूर्ण करें, अच्छी नींद लें। इतना करने मात्र से आप इंटरनली स्वस्थ हो सकते हैं। बाहर से कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम अपने इस शरीर पर विशेष ध्यान दें तो ये करोड़ों कीमत की शरीर आपको खुशी प्रदान करेगा। आप खुश रहेंगे और अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आप लोगों से एक विशेष निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें जो कमी हो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।